गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं ईवीएस। ईवीएस में आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द पार्क। एट द पार्क मीन्स आप जब बच्चे पार्क में जाते हो तो वहां कौन कौन सी चीजें होती हैं, मजा आता है ना आपको। शाम होते ही आपको लगता है कि चलो गार्डन में चलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे अलग अलग चीजें होती है, फाउंटेन होता है, ऐसे लटकने के लिए ऐसे स्टैंड बने होते हैं, उसके बाद स्लाइडिंग होता है, झूले होते हैं, है ना। इस सब की वजह से ही आपको पार्क जाना अच्छा लगता है ना। यस मैम, को मालूम है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एट द पार्क। ये देखो आपके बुक में इसका पिक्चर दे रखा है। अब पार्क में हमको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं तो वो हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट क्या है? ट्री। सबसे ज्यादा पार्क या गार्डन में क्या होता है? तो ट्री होते हैं, हरी हरी घास होती है, उसमें मजा आता है ना हमको चारों तरफ ग्रीनरी देख के। यस, सबसे ज्यादा ट्री और ग्रास होती है पार्क में। फिर सेकंड नंबर पे मैरी गो राउंड, मतलब देखो ये जो गोल 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 घूमते हैं ना बैठ के सारे बच्चे, उसको क्या बोलते हैं? मैरी गो राउंड। इसमें गोल 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 घूमने में मजा आता है ना आपको जोर जोर से। यस, थर्ड इज स्विंग। तो ये देखो दो बच्चे झूल रहे हैं, बॉय, दो बॉय दिख रहे हैं ना। यस, फिर फोर्थ नंबर पे है सीसॉ, मतलब ये देखो एक तरफ से बैठता है तो ये ऊपर हो जाता है, फिर दूसरी तरफ से बैठता है तो ये ऊपर हो जाता है, तो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीसॉ। तो ये रहा सीसॉ, ऐसा होता है। फिर लैडर, लैडर कहाँ पे दिख रहा है आप सबको? फाइव नंबर पे लैडर। तो ये रहा जो आप चढ़ने के लिए यूज करते हो ना, जब आप स्लाइड करते हो तो चढ़ने के लिए यूज करते हो लैडर। लैडर मतलब सीढ़ी बोलते हैं उसको। फिर स्लाइड, ये देखो यहाँ से बच्चे यहाँ से चढ़ के लैडर से फिर स्लाइड कर रहे हैं। फिर बेंच, ये देखो बेंच पे अंकल बैठे हैं। आप भी जब पार्क में जाते हो अपने दादा या दादी के साथ तो वो भी थक जाते हैं तो बेंच पर बैठते हैं ना, वहाँ पे जो बेंच लगी हुई होती है उस पे। यस, तो उसको बोलते हैं बेंच। फिर बटरफ्लाईज। यस, क्यों? क्योंकि गार्डन में खूब सारे ट्रीज और प्लांट्स होते हैं तो उसके ऊपर फ्लावर लगते हैं, तो फ्लावर के ऊपर क्या आती है? बटरफ्लाईज आती है, है ना। फिर फाउंटेन, ये देखो ऐसा फाउंटेन होता है, पानी गिरता है, ठंडा ठंडा लगता है अपन को, स्पेशली समर्स में हमको बहुत मजा आता है ना फाउंटेन के पास जाने में। यस, फिर जंगल जिम, इसको बोलते हैं जंगल जिम। ये इसके ऊपर लटकते हैं ना, यहाँ से चढ़ के फिर यहाँ लटकते हो, तो वो क्या होता है? जंगल जिम बोलते हैं उसको। फिर सैंड पिट, क्या लिखा है सैंड पिट? देखो ये जो बच्चे यहाँ पेड़ के पास बैठ के क्या कर रहे हैं? मिट्टी से खेल रहे हैं। आपको भी मजा आता है ना ऐसे कहीं मिट्टी दिख जाए या रेत दिख जाए तो कितना मजा आता है आपको खेलने में। यस, तो ये दोनों भी वैसे ही खेल के मजे कर रहे हैं उसमें। फिर क्या है? फ्लावर्स, ये देखो कलरफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पे, रेड कलर के हैं यहाँ पर भी हैं। सो फिर बर्ड्स भी हैं यहाँ पर। तो क्या क्या चीजें होती हैं पार्क में? तो देखो यहाँ नीचे क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू वी सी इन अ पार्क, हमने पार्क में क्या क्या देखा? तो हमने पार्क में देखा ट्री, मैरी गो राउंड, स्विंग, स्लाइड, लेटर, बेंच, फाउंटेन, बटरफ्लाईज, फ्लावर्स, बर्ड्स, सैंड पिट, जंगल जिम। ये सारी चीजें हमने कहाँ देखी? हमने ये सारी चीजें देखी पार्क के अंदर। फिर क्या है? ऑन व्हाट डू यू ऑन व्हाट डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, पार्क में चिल्ड्रन कहाँ पर खेलते हैं सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा चिल्ड्रन कहाँ खेलते हैं? ऑन अ स्लाइड, सीसॉ एंड स्विंग और मैरी गो राउंड, सबसे ज्यादा इस पे बच्चे खेलते हैं। तो अगर आपको आपको कोई पूछे, आपके घर आए और आपको कोई पूछे कि आपको पता है पार्क में क्या क्या चीजें होती हैं, तो अब आप क्या बोलोगे? हाँ हमें पता है पार्क में क्या क्या चीजें होती है। पार्क में फाउंटेन होता है, ट्री होते हैं, बटरफ्लाईज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, स्विंग्स होते हैं, स्लाइड
मिट्टी से खेलते हैं हम वहां पर, राइट, जंगल जिम ऐसे लटकते हैं इधर से उधर, फिर सी शॉ करते हैं, तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर एंजॉय करते हैं? पार्क में या गार्डन में, पार्क बोलो या गार्डन बोलो एक ही बात है, राइट। तो वहां पर बहुत ग्रीनरी होती है, तो हमको घर स्पेशली समर्स के टाइम पे पार्क जाना बहुत अच्छा लगता है, यस और नो? यस, क्योंकि शाम को हल्की हल्की ठंडक होने लगती है, तो ठंडे ठंडे में बहुत मजा आता है पार्क में खेलने में, राइट। तो शाम को मुझे पता है सब बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं, अभी की बात छोड़ दो, अभी कोविड चल रहा है उस वजह से आप नहीं जाते हो, वैसे जनरली तो जाते ही हो ना पार्क में खेलने, यस। तो ये पिक्चर देखना, खूब इंजॉय करना इसको, है ना, और जब सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद पार्क में खेलने के लिए जरूर जाना, ठीक है? तो समझ में आ गया सबको पार्क में कौन कौन सी चीजें होती हैं और कैसे मजे करते हैं उनके साथ, ठीक है? ओके, सो अपना ध्यान रखना, एंजॉय द पार्क।